नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीआर जेआरएफ, जो भी स्टूडेंट बीएससीजी कर रहे हैं और वो पीजी के लिए पीजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम बताने चल रहे हैं कि आईसीआर जेआरएफ होता क्या है। दोस्तों, आईसीआर का आपको पूरा नाम तो पता ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। आईसीआर और जेआरएफ जो होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। जैसे एसआरएफ होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वैसे जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। जेआरएफ के माध्यम से आपको एक स्कॉलरशिप प्रदान होती है, अर्थात अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं, बीएससीएजी कर रहे हैं और आप पीजी के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिले, अगर ऐसा चाहते हैं आप, तो आपको आईसीआर जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। आईसीआर जेआरएफ के थ्रू आपको मिनिमम जो है 8 से 10 हज़ार रुपये, अभी ये कन्फर्म नहीं है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है, तो आईसीआर जेआरएफ के माध्यम से आपको कम से कम मिनिमम मंथली 8 से 10 हज़ार रुपये मिल जाता है, जो आपके पूरी पढ़ाई के लिए काफ़ी होगा। अगर देखा जाए तो आपकी पढ़ाई के लिए तो ये काफ़ी होता है। तो अगर थोड़ा सा, अगर कोई लड़का जो भी स्टूडेंट हैं, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें तो आप इस आईसीआर जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम इसका देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास 2017 का जो है बुलेटिन है, अर्थात ये एग्ज़ाम हो चुका है, अब 2018 का आएगा, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो जो हमारा डेट था एग्ज़ाम का, वो देखिए 11/6, अर्थात हमारा एग्ज़ाम जो हुआ था वो जून में हुआ था, और जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट आया था वो 20/4, अर्थात अप्रैल में था, 20 अप्रैल को फॉर्म। तो ये समझ लीजिए 2018 का जो फॉर्म आएगा वो अप्रैल, मिड अप्रैल तक आ जाएगा, या हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, मार्च अप्रैल, मतलब मार्च अप्रैल तक ये आ जाता है, और ये अब ऑनलाइन होने लगा है। और जो आपका एडमिशन था वो काउंसलिंग देखिए आपका 7, अर्थात ये जुलाई में ही आपका एडमिशन, तो रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद काफ़ी जल्द ही रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होने लगती है। तो दोस्तों, ये आपका एग्ज़ाम का डेट, मतलब ये तो 2017 का है, मतलब एक 10 इसी के आसपास आपका जो भी एग्ज़ाम डेट होगा या फॉर्म आने का वो होगा। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट, सबसे पहले सब्जेक्ट को जो सिलेक्शन करना है, तो दोस्तों हम ये बता दें, जिसका जिस सब्जेक्ट में उसको लगता है कि हाँ हम इस सब्जेक्ट में बेहतर कर सकते हैं और वो उसी सब्जेक्ट से पीजी करना चाहता है, तो वही सब्जेक्ट वो चुने, तो उसको लाभदायक होगा। जिस भी सब्जेक्ट को चुने, सब्जेक्ट सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अब इसमें जैसे होता है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में ये आपका जो है सीटों की संख्या 25 है, लेकिन अगर इसमें मतलब टोटल 100 जो है सीटों की संख्या 111 है, लेकिन अगर इसमें आईसीआर जेआरएफ जो हमें जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलेगी वो मात्र 24 सीटों पर ही मिलती है। और इसके अलावा आपका एडमिशन, अगर आप आईसीआर जेआरएफ इस अर्थात स्कॉलरशिप में नहीं आते, फिर भी ये 111 स्टूडेंट का जो है चयन वो किसी न किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। अगर वो पीजी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, उनको काउंसलिंग के दौरान मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको मिल जाता है। अब प्लांट साइंस जो सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है कि चॉइस रहती है स्टूडेंट की, वो प्लांट साइंस रहती है, और सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होती है इसमें। जैसे टोटल सीटों की संख्या 325 है जो 2017 में थी, तो लगभग इसी के आसपास ही सीटों की संख्या 2018 में आएगी, और इसमें 79 पोस्ट जो आपके थे, देख रहे हैं आप, 79 पोस्ट जो थे वो टोटल आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप के अंतर्गत थे, अर्थात जो ये प्लांट साइंस में टॉप 79 स्टूडेंट जो होंगे उनको जो है स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, वो 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ उपलब्ध कराया जाता है। और इसमें जैसे आपका होता है प्लांट साइंस के अंतर्गत, आपका प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स या प्लांट पैथोलॉजी हुआ, एग्री माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस और प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इन सब के सीटें डिवाइड हैं। उसके बाद आपका आता है फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में भी सीटें होती हैं। इंटमोलॉजी, अर्थात जो इंटमोलॉजी या निमेटोलॉजी से इंटरेस्टेड है और उससे प्लांट साइंस की तैयारी करना चाहता है, तो उसमें टोटल सीटों की संख्या 143 है, जिसमें मात्र 34 सीटों पर ही स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, उसमें फिर डिवाइड किया गया है। एग्रोनॉमी में 166 सीट में केवल 70 सीट ऐसी है जिसमें आपको आईसीआर जेआरएफ स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। उसके बाद आपका सोशल साइंस हुआ या स्टैटिक्स साइंस हुआ, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है,
हॉर्टिकल्चर से भी काफ़ी लड़के देते हैं। 183 टोटल सीटों की संख्या जो हॉर्टिकल्चर में थी 183 थी, और प्रेजेंट टाइम 71 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस तरह से ये सीटों की संख्या होती है। तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत कर दें, या जो भी स्टूडेंट उनको लगता है कि हाँ हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो लेकिन अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर दें, तो वो विथ स्कॉलरशिप उनकी पीजी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर वो एसआरएफ निकाल लें, तो उनका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाता है और स्कॉलरशिप भी उनको मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से है। इसमें जो हर एक का सब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। प्लांट साइंस अगर है तो प्लांट साइंस का जो आपका सिलेबस होगा वो अलग होगा। उसके अलावा इंटरमोलॉजी का जो होता है वो उसका सिलेबस अलग होता है। हर एक सब्जेक्ट का जो एक सिलेबस होता है वो आपका अलग अलग होगा। जैसे अब इसमें देखते हैं, अगर हम प्लांट साइंस का सिलेबस देखें, तो प्लांट साइंस का जो सिलेबस हम देखते हैं उसमें आपका जो आता है वो होता है आपका ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस है। प्लांट साइंस जो होता है, प्लांट साइंस में आपका प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो सिलेबस है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमी, अर्थात पहला जो एक यूनिट होता है वो लगभग लगभग कॉमन होता है। अब इसमें पीस, ग्राउंड नट, टोमेटो, पोटैटो, मैंगो, मेजर सॉइल इन इंडिया, रोल ऑफ एनपीके एंड देयर डिफिशेंसी सिम्टम, देयर डिफिशेंसी सिम्टम, अभी हमने इससे संबंधित एक वीडियो डाला है, डिफिशेंसी सिम्टम प्लांट में कौन कौन से होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पूरा सिलेबस है, एक कॉमन सिलेबस होता है, उसके बाद जो मेजर होता है उसमें आपका पूछा जाता है कि आपका ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स आप प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये आपका पूरे एक सिलेबस है। आप इसको बुलेटिन जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं, या हम इसको पीडीएफ रूप में भी डालने की कोशिश करेंगे। अब इंटरमोलॉजी से हो गया, अगर कोई स्टूडेंट इंटरमोलॉजी यानी से जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, करना चाहता है, तो इसके लिए वो अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर है। आपको जिस विषय में ज़्यादा रुचि हो उससे संबंधित आप उस सब्जेक्ट की आप आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आईसीआर जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो आपका एक तो सिलेक्शन, अगर आप रैंक जितनी सीट है उस उतनी के अंदर अगर आपकी रैंक आ जाती है, तो एक तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाता है कि आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीजी के लिए। और दूसरी बात है, अगर स्कॉलरशिप के अंतर्गत आते हैं तो आपको मिनिमम जो होता है वो आपके फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है। एग्रोनॉमी से भी काफ़ी स्टूडेंट देते हैं, एग्रोनॉमी भी अच्छा सब्जेक्ट होता है। जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल, तो ये हर एक सब्जेक्ट्स होता है। जैसे अगर आईसीआर जेआरएफ की जो भी तैयारी करना चाहता है, वो हॉर्टिकल्चर हुआ, सॉयल साइंस हुआ, एग्रोनॉमी हुआ, प्लांट साइंस हुआ, उसके बाद डेयरी से करना चाहता है तो डेयरी से भी है। उसके अलावा आपका हर एक सब्जेक्ट से होता है। अब ये हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है, इसमें एक कॉमन सिलेबस होता है। यूनिट फर्स्ट जो होता है वो सभी के लिए है। आप किसी भी इंटरमोलॉजी से करें, या एग्रीकल्चर से मतलब हॉर्टिकल्चर से करें, या किसी भी प्लांट साइंस से करें, ये आपका कॉमन सिलेबस होता है। और सेकंड यूनिट जो होती है वो आपका चेंज होती है। सेकेंड यूनिट में आपका ये क्रॉप के बारे में पढ़ना है, उसके बाद फ्रूट, उसके बाद अर्थात इसमें आपका फ्रूट प्रिजर्वेशन, फ्लोरिकल्चर, फ्रूट टेक्नोलॉजी सब आ जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट्री से भी, एग्रो फॉरेस्ट्री या सिल्वीकल्चर से भी आपका आईसीआर जेआरएफ होता है। तो ये पूरे हैं, आप इसको पूरा देख लें। होम साइंस भी है, होम साइंस वेटनरी साइंस से भी आप आईसीआर जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड दोस्त हैं आईसीआर जेआरएफ वो लग जाएं और तैयारी पूरा दिल लगा के करें। और सबसे पहली बात, एक चीज़ ये हम बताना चाहेंगे कि आईसीआर जेआरएफ की तैयारी करने का जो उपयुक्त समय होता है वो हमें हमारे हिसाब से सेकंड ईयर होता है। अगर सेकंड ईयर में ही कोई स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले कि हाँ हमें इस सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी करनी है, तो उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और जो संबंधित बुकें हैं उस सब्जेक्ट की वो अपना पढ़ ले। और आईसीआर जेआरएफ में, हालांकि आईसीआर जेआरएफ के लिए तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो एक कॉमन बुक है एग्रीकल्चर के लिए, एक तो आपको कम से कम मिनिमम आपके पास जो होना चाहिए वो अरुण कात्यायन फर्स्ट इंक सेकंड वॉल्यूम,
ये हर हाल में होना चाहिए। उसके अलावा एस आर कांतवा बुक है, नेमराज सुंडा हो गया, मुनिराज सिंह राठौर, ये कॉमन बुकें हैं। ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम दें या आप कोई इंट्रेंस एग्जाम दें तो ये काफ़ी सहायक बुकें होती हैं। तो ये चारों बुकें, पाँचों बुकें तो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना ICRJR की तैयारी करें। इसमें जो होता है आपका ICRJR, ये लगभग लगभग आपका अप्रैल में आ जाएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, मार्च या अप्रैल में, और आपका जून, हालांकि पिछली बार शायद लेट एग्ज़ाम हुआ था, नहीं तो इसका मई में एग्ज़ाम हो जाता है और अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाता था, लेकिन पिछली बार हमें लग रहा है कि लेट एग्ज़ाम हुआ था। तो इस तरीके से ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में, आपका ये फिजिकल साइंस है तो फिजिकल साइंस, ये आपका प्लांट साइंस है, प्लांट साइंस के अंतर्गत आपका किस किस यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीटें हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में आपकी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसे आपका ये हुआ आनंद, अर्थात ये गुजरात की यूनिवर्सिटी है, गुजरात में ये यूनिवर्सिटी है, इसमें आपकी टोटल 3 सीटें हैं। जनरल की 3 सीटें प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हैं, प्लांट पैथोलॉजी कोई सीट नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे BHU को तो BHU देखते हैं, ये आपका मेरठ हो गया, मेरठ यूनिवर्सिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वहाँ प्लांट ब्रीडिंग से 1 सीट है आपका ICRJR के थ्रू, यहाँ सिलेक्शन होगा। उसके अलावा IRI में जो है आपकी सीटें, वो 12 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें जो होती हैं वो IRI में होती हैं, अर्थात IRI में आपका सबसे ज़्यादा सीट है। उसके बाद पंतनगर, जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको बोला जाता है, पंतनगर, गोविंद वल्लभ भाई पंतनगर, सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ आपके प्लांट साइंस से 5 सीटें हैं। तो इस प्रकार से हर एक यूनिवर्सिटी में ICRJR के थ्रू सीटें बांटी गई हैं कि किस यूनिवर्सिटी को कितनी सीट है। आपका ये चंद्रशेखर आज़ाद कानपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ प्लांट ब्रीडिंग से कोई नहीं है, यहाँ आपका एक्रो माइक्रोबायोलॉजी में भी नहीं है। तो इस तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी, प्लांट फिजिकल साइंस हुआ तो हर एक यूनिवर्सिटी में अपना डिवाइड किया है किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं उपलब्ध हैं। यहाँ जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में इंटमोलॉजी से टोटल 3 सीटें हैं, अगर एग्रीकल्चरल हार्टिकल्चरल इंटमोलॉजी की बात करें तो यहाँ 3 सीटें हैं आपकी, आपको मिल जाएंगी 3 सीटें। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर देखते हैं BHU में, तो ICRJR के थ्रू इंटमोलॉजी में यहाँ 4 पोस्ट है, अर्थात ICRJR जिसमें जो 2 पोस्ट आपका जनरल में है, उसके अलावा 1 पोस्ट SC और 1 पोस्ट OBC में है। अभी हमारे साथ के काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो JRF क्वालिफाई थे और उसके साथ वो अब SRF क्वालिफाई हैं, प्लस ARS का इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो जो भी दोस्त तैयारी करना चाहते हैं तैयारी करें मन लगा के। हम इस एग्रीकल्चर से संबंधित वीडियो इसमें डालते रहेंगे। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारा जो चैनल है स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए और ICRJR से संबंधित किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप इसमें कमेंट करें। हम आप जो भी आपका प्रश्न होगा उसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।